परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित शासकीय सेवा हेतु दो ही बच्चों की व्यवस्था की गई है। ऐसे में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रनगवां में एक सरकारी शिक्षक नरेश कुमार गोयल के 3 संतान होने का मामला प्रकाश में आया है। लोक सेवक होने पर 3 संतान होना नियम विरुद्ध है। ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई विभाग द्वारा की जा सकती है। अब देखना है कि इस मामले में संयुक्त संचालक को शिकायत की गई है, क्या वे इस संबंध में कोई कार्रवाई करेंगे। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने इस संबंध में सरकारी शिक्षक नरेश कुमार गोयल से और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कॉलेज संभाग दीपक पांडे से बात की, जिन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। यहां बता दें कि इससे पूर्व गणेश प्रसाद शर्मा पुत्र रामशंकर शर्मा भिंड को भी इसी मामले में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई थी। विद्यालय में सर लगभग 2-4 टीचर ऐसे हैं, उनके भी 3-3 बच्चे हैं, तो आप सभी के 3-3 बच्चे हैं। तो आप मानते हैं कि और भी बहुत सारे बहुत सारे जो कि मध्य शासन की उसका नीति का पालन नहीं करता? हाँ, जो सबको होगा, यदि शासन ऐसा करता है सबको साथ, तो मैं कहाँ लग नैतिकता के आधार पर आप मानते हैं कि ऐसे जो लोक सेवक हैं जो शासन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और 3-3 संतान है, तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई? मैं नहीं मानता हूँ, यदि शासन की व्यवस्था है, मैं शासन की नहीं, आप ये मानते हैं कि यदि वो शासन की व्यवस्था की गद्दियाँ उड़ा रहे हैं तो ऐसे लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई? मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि शासन की व्यवस्था है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, तो बहुत 3-3 बच्चे तो सभी के हैं लगभग, मेरे विद्यालय में भी है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले थोड़ी 3-3 बच्चे, मेरे विद्यालय में ऐसे 2-4 टीचर भी हैं। उनके इस बारे में आपकी क्या सोच है कि शासन के नियम की ये शासन की व्यवस्था है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, शासन की व्यवस्था है, शासन जो चाहेगी वो मेरे अकेले हैं, विद्यालय में और भी हैं 3-3-4 बच्चे हैं, सब होगा, वो मेरे साथ हो जाएगा, वो पूरे प्रदेश के साथ हो जाएगा, ऐसा मैं अकेला कहती हूँ। आप जोन डायरेक्टर एजुकेशन ग्वालियर हैं, नरेश कुमार गोयल जो कि शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रनगवां में पदस्थ हैं, उनके 3 बच्चे हैं और एक बेटी है जिसकी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2009 है। तो सर ऐसा नियम है कि 3 शासकीय सेवक 3 बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ ठीक है, जैसा आपने मेरे संज्ञान में लाया और हम उस पर निश्चित रूप से जाँच करा लेंगे, और यदि ये फैक्ट हुआ जैसा आप कह रहे हैं, अगर कट ऑफ डेट जो शासन ने दी हुई है उसके बाद अगर बच्चा पैदा हुआ है, तो फिर निश्चित रूप से अनुशासन कार्रवाई भी संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध की जाएगी।